हे व्हाट्सअप गए तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि हर बार की तरह ये बार भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की एक जबरदस्त हॉरर मूवी एंड द मूवी नेम इज द बोगीमैन। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने रूम पर सो रहा था। उसे वहीं पर किसी की परछाई, किसी की आवाज आना शुरू हो जाता है। जब वो उसे फॉलो करके अपने दरवाजे के पास जाता है, वहीं पर जो डेमन होता है मतलब जिसकी हम परछाई देखते हैं, तो वो उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक अलग फैमिली के पास, जहाँ पर हम देखते हैं उइल नाम के एक आदमी को जो की एक थेरापिस्ट है। अब यहाँ पर हम उसके दो बच्ची को देखते हैं, सैडी और सॉयर। सैडी जो होता है वो उसकी बड़ी बेटी होती है और सॉयर जो होते हैं वो उसकी छोटी बेटी होती है। यहाँ पर जो सॉयर होती है वो बचपन से बीमार है, वो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता है, मतलब वो नहीं चाहता है कि अंधेरे में उसे कोई रोक ले। कहानी के आगे चलते हुए हम देखते हैं विल के पास लेस्टर नाम के एक आदमी आता है जो कि विदाउट अपॉइंटमेंट के बिना उसके पास मिलने आ जाता है। यहाँ पर जो विल होता है वो उसे पहले मना कर देता है उसे नहीं मिलने के लिए, लेकिन यहीं पर जो लेस्टर होता है वो बोलता है कि उसके तीन बच्चे थे, जबकि तीन बच्चे 3 साल के अंदर एक एक करके सारे सब मरे गए। मतलब वो बोलता है कि उसके घर पर कोई डेमन है जो कि उनके बच्चे को मार दिया है। अब वो उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है वो यहाँ पर उसे जानने के लिए आया है। अब यहीं पर जो लेस्टर होता है उसे एक ड्रॉइंग दिखाता है, मतलब उसके बच्चे ने जो डेमन की ड्रॉइंग बनाया था, लेकिन ये सारे सब बात उसका ड्रामा लगता है। वो यहाँ पर बोलता है कि यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इग्नोर करते हैं, मतलब उनके ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये डेमन उनके ऊपर अटैक कर लेता है, मतलब यही उसका पावर पॉइंट है। इसके बाद हम सैडी को देखते हैं जो कि अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे वहीं से कुछ अलग सी आवाज आ रही थी। जब वो उसी आवाज को फॉलो करके उसी रूम की तरफ बढ़ता है, वो यहाँ पर लेस्टर की डेड बॉडी देखता है, जहाँ पर देखे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहीं पर जो विल होता है वो यहीं पर पुलिस को बुलाता है और पुलिस यहीं पर बोलता है कि ये जो विल है वो मेंटली स्टेबल नहीं था, तो इसलिए वो जानबूझकर अपनी खुदकुशी करी होगी। लेकिन यहीं पर जो सैडी होती है वो बोलती है कि वो उसी रूम से किसी दोनों लोगों की आवाज आते हुए सुना, मतलब उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद को यहीं पर जो सारे लोग हैं वो नजरअंदाज करते हैं, कोई भी उसके बाद को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देता। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सॉयर के पास, जहां पर हम देखते हैं वो अपने रूम पर सोने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके बेड के नीचे से कुछ अलग ही आवाज आ रही थी। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं सैडी को जो कि कैंडल लगाकर अपने मॉम के साथ कंटेक्ट करने के लिए चाहता है, मतलब वो स्पिरिचुअल है, वो चाहता है कि किसी भूत से बात करने के लिए। लेकिन ठीक इसी समय जो सॉयर होता है वो उसके रूम पर एंटर करता है, वो बोलता है कि उसके रूम पर कोई आवाज आ रहा है। और यहीं पर जो सॉयर होते हैं वो भी उसके दूध वाले दांत टूटने वाले थे, जबकि यहीं पर जो सैडी होती है वो उसके दांत को एक रस्सी की मदद से दरवाजे से बांध लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहीं पर जो दरवाजा है वो अपने आप बंद हो जाता है। और यहीं पर जो सॉयर के दांत होती है वो अपने आप टूट जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर था। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं यहीं पर जो सॉयर होते हैं वो बहुत ज्यादा अंधेरे से डरती है, इसके कारण यहीं पर जो सैडी होती है वो उसको एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। जो थेरेपिस्ट होती है वो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पर वो सारे रूम की लाइट बंद कर लेते हैं और एक रेड क्यूब लाइट को जलाते हैं। यहाँ पर वो सॉयर को बताते हैं यदि तुम इस गेम में जीत जाते हो तो तुम्हें कभी भी अंदर से डर नहीं लगेगा। जब ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, यहीं पर जो सॉयर को वो बोगीमैन दिखाना शुरू हो जाता है, जबकि सॉयर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि यहीं पर उसकी टॉयलेट भी हो जाती है। अब यहीं पर उनकी जो थेरेपिस्ट के काम है वो यहीं पर बंद कर लेते हैं और दोनों की दोनों लड़की घर आते हैं। यहाँ पर जब सैडी घर आता है वो यहीं पर जो लेस्टर के बारे में कुछ रिसर्च करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग और उसे कुछ ड्रॉइंग मिलता है, जो ड्रॉइंग उसके बच्चे ने बनाया था, मतलब जिस बोगीमैन की ड्रॉइंग। जब वो ये सारे काम कर रहा था, यहीं पर जो सॉयर होती है वो उसके रूम पर एंटर करती है और उसी ड्रॉइंग को देखती है। वो बोलती है कि ये ड्रॉइंग पर जो आदमी है, मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा डराता है, ये डेमन मेरे ऊपर बहुत टाइम अटैक कर चुका है। लेकिन यहीं पर जो सैडी होती है वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो जाती है लेस्टर के घर पर, जहां पर वो देखता है कि लेस्टर के घर पर कोई नहीं है, मतलब उसके घर एकदम बंजर बन चुका है। वो उसके फ्रिज पर अपने नंबर लिख देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि कोई इंसान यहीं पर आएगा उससे कंटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो वहीं से जाता है, वो यहीं पर लेस्टर की वाइफ रीटा को देखती है। यहाँ पर रीटा उसके बारे में सारा सब कुछ बताता है। रीटा बोलती है कि बोगीमैन ने उसके सारे परिवार को खत्म कर लिया, उस इवेंट की मतलब उसके तीनों के तीनों बच्चों को। बोलता है कि यदि कोई आदमी कमजोर दिल वाला, मतलब कोई डिप्रेशन एंजाइटी में, बोगीमैन उसके ऊपर अटैक करता है। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के ठीक से ख्याल नहीं रखते, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। और वो यहाँ पर बोलती है कि अब बोगीमैन तुम्हारे फैमिली के ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे मॉम के कारण तुम्हारे फैमिली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस में चला गया है और वो लेस्टर के अंदर घुसकर तुम्हारे घर पर एंटर कर चुका है, जो वो तुम्हारे तीनों के तीनों को वहीं पर मार देगा। अब यहीं पर जो रीटा होती है वो कुछ साइको टाइप का मतलब रिएक्शन देता है, वो उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन यहीं पर जो सैडी होती है वो यहीं पर जैसे-तैसे
ऐसे करके भाग आती है। अब यहीं पर सैडी जब घर आता है, सॉयर जो होते हैं वो उसके उसी डेमन के बारे में पूछते हैं, लेकिन सैडी जो होते हैं वो उसे यहीं पर चुप करा लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जाकर अपने रूम पर सो जाओ। सैडी जब सोने की कोशिश कर रहा था, जो बूकी मैन है वो सैडी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहीं पर जो सैडी को लगता है कि वो उसका एक बुरा सपना था। उसे यहीं से कुछ आवाज आना शुरू हो जाता है, जब उसी आवाज को फॉलो करके वो जाता है, वो देखता है कि उसके डैड जो है उसके मॉम के सारे जो मतलब जितने भी सारे चीज है वो यहीं पर से घर से निकालते हैं, लेकिन यहीं पर जो सैडी होता है वो ये सारे काम करने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं सैडी जो होता है वो अपने घर पर एक नाइट आउट पार्टी रखता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं उसी पार्टी को एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहीं पर सैडी को कुछ खासी आती है, जबकि वो उसी बाथरूम पर जाती है, उसे वहीं पर उल्टी होती है, जबकि उल्टी में उसके मतलब सोयर के जो दांत और वो जो धागा है वो उसकी मुंह से बाहर निकलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब यहीं पर उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि उसी रूम को देखने के लिए जिस रूम पर लेस्टर ने खुदकुशी की थी। अब यहीं पर जो सैडी होता है वो उनको उसी रूम देखने के लिए जब ले जाता है, वहीं पर से एक उसका दोस्त जो होता है वो उसे उसी रूम पर धक्का दे देता है और वो उसी रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अब यहीं पर जो बूगी मैन होता है वो यहीं पर सैडी के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है, लेकिन सैडी जैसे तैसे करके उसके रूम से बाहर निकल जाता है और वो अपने सारे दोस्त को बहुत ज्यादा बुरा वाला करके उसके घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉयर जब टीवी देख रहा था, उसके ऊपर जो बूगी मैन है वो उसे टीवी के ऊपर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब यहीं पर जो सैडी और उसके डैड होते हैं वो यहाँ पर सॉयर को लेकर के हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं। अब यहीं पर सैडी जो होता है वो उसी बूगी मैन के बारे में अपने डैड मतलब विल को बताता है, लेकिन विल को लगता है कि सैडी बहुत ज्यादा नशा कर चुका है, इसलिए उसे उसी तरह का विजन आती है। वो उसके बात को एकदम इग्नोर करते हैं। और ठीक इसी समय रीटा का कॉल आता है, मतलब लेस्टर की वाइफ की। वो बोलती है कि मैं बूगी मैन को मारने की पूरी तरह कोशिश कर चुका हूँ, मैं उसके लिए एक ट्रैप बुन चुका हूँ जहाँ पर हम उसे मार सकते हैं और ये सारे काम को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। अब यहीं पर जो सैडी होते हैं वो उसके घर पर जाती है, लेकिन वो सैडी को एक चारा की तरह यूज करते हैं, मतलब उसको एक जाल में बांध लेते हैं जहाँ पर बूगी मैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है और वो उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, बल्कि यहीं पर जो बूगी मैन है वो रीटा के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है। लेकिन यहीं पर जो सैडी होता है वो जैसे तैसे करके उसके घर से बाहर निकल आता है। वो बाहर निकलने के बाद वो अपने डैड विल को कॉल करता है। अब यहीं पर जो विल और जो सॉयर है वो अपने घर पर आ चुके हैं। वो उन्हें बोलता है जल्दी घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बूगी मैन उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। यहीं पर जो सॉयर होते हैं वो जाकर एक कबर्ड में छुप जाते हैं, लेकिन उसके डैड के कोई पता नहीं होता। जबकि यहीं पर जो सैडी अपने घर पर आता है वो अपने वैन सॉयर को पाता है और वो अपने डैड को जब ढूंढने की कोशिश करता है वो एक बेसमेंट पर जाता है। अब यही बेसमेंट पर तीनों के दिन जब होते हैं, जो बूगी मैन होता है वो उनके ऊपर एकदम से अटैक कर देता है, जहाँ पर यहीं पर जो सैडी होते हैं वो उसके ऊपर एक कैन सेक करता है और उसको आग लगा देता है, जहाँ पर ये जो बूगी मैन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म हुई। जब वो ये सारे सब काम करके जब वो अपने घर से निकल रहे थे, उनके घर एकदम से जल चुका था, मतलब उनके घर पर जो भी सारी चीज थी, उनकी मॉम की सारी चीज भी जल चुका था। अब यहीं पर कुछ दिनों के बाद वो तीनों के दिन जाते हैं एक थेरेपिस्ट के पास, मतलब इस ट्रोमा से बाहर निकलने के लिए। जब उनका थेरेपिस्ट के काम खत्म होता है, यहीं पर वो जो तीनों लोग बाहर आते हैं, सैडी को लगता है कि डॉक्टर ने उसे फिर से बुलाया। जब वो उसी रूम के अंदर जाते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया। अब यहीं पर सैडी को फिर से अंदाजा लग चुका है कि ये जो बूगी मैन है वो अब तक नहीं मरा है, मतलब हमें यही लगता है कि बूगी मैन की पार्ट 2 भी आने वाले। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।